बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका जी? तो आज हम बनाने जा रहे हैं काली मिर्च वाला मटन कोरमा। इसके लिए मैंने तकरीबन 750 ग्राम जो है वो मटन ले लिया है मिक्स। इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इतना सा, और साथ में काली मिर्चें थोड़ी सी टेस्ट के लिए, इससे भी कम कर लेते हैं। चले ठीक है। और थोड़ा सा नमक ताकि जो हमारा मटन है उसमें जायका रहे, वो खाली ना हो जाए। ठीक है, इतना सा मैं डाल देती हूँ और अपना चूल्हा ऑन कर देती हूँ। और इसमें हम तकरीबन एक गिलास के करीब पानी डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इतना पानी काफी है हमारे लिए। अब हम इसको दे देते हैं वेट, गोश्त को गला लेते हैं। ठीक है, इसके वेट भरने तक जब सीटी चलेगी, इसके बाद हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि हमारा मटन गल जाए। अब हम कोरमे का मसाला तैयार कर लेते हैं। पतीली ले ली है, उसमें मैंने घी डाल दिया। ठीक है, घी डाल के तो इसमें दो मैंने प्याज लिए हैं, बारीक काट लिए हैं, इनको हम गोल्डन कर लेंगे अच्छे से। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए, अभी इसको मज़ीद करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए, अब हम इसमें जो मैंने मटन को बॉईल करके रख लिया था उसको फ्राई करेंगे इसमें डाल। इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, साथ में जो है वो थोड़ी सी अदरक लहसुन का और पेस्ट डाल देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही हम अब हरी मिर्चें डाल देते हैं, इसको भी भून लेते हैं। इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक जो है वो फ्राई कर लिया। अब थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी डाल ली थी जब बॉईल किया था, और नमक भी तब ऐड कर लिया था, और थोड़ा सा ही नमक और डालेंगे। ठीक है, और साथ ही अब हम एक प्याली जो दही है, मैंने इसको बीट करके और स्टेन भी कर लिया था, वो डाल देते हैं। और दही डालने के बाद हमने इसको जो है वो हलाते रहना मुसलसल, ताकि ये दही जो है वो हमारी फटे ना। ठीक है, और मैं भूल गई, फ्राई करते वक्त हमने थोड़ी सी हल्दी भी डालनी थी। चलिए अब हम ऐड कर लेते हैं, अभी साथ ही इसका आ जाएगा। इसका अपना एक टेस्ट होता है, कलर होता है, जो सालन को अच्छा बनाता है। अब दही ने जो पानी छोड़ा था उसी में ये हम इसको भून लेंगे, और पानी भी ड्राई हो जाएगा अच्छे से, और सारी ग्रेवी बन जाएगी इसके वो दही की। ना हमने इसमें कोई टमाटर ऐड किया है, ना कुछ, कोई और मसाला नहीं ऐड किया, बगैर मसालों के आज हम बना रहे हैं। दही का जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो गया, इसने घी छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लेते हैं। काली मिर्च जो होती है वो बड़ी तेज़ होती है टेस्ट में, इसलिए थोड़ी सी डालिएगा। और ये थोड़ा सा मैं पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि गोश्त है उसकी स्मेल वगैरह के लिए, वरना इसमें हमने कोई मसाला नहीं ऐड किया। और बहुत मज़े का बन, खुशबू भी आ रही है, और ये देखिए दिखने में कैसा लग रहा है। आप लोग मेरी ये रेसिपी भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
ये अब भून के तैयार हो गया। ये थोड़ी सी यखनी थी जो बॉइल करते हुए निकली थी, बच गई थी तो मैंने साइड पर कर ली। थोड़ा सा मज़ीद हम पानी डाल देते हैं, हल्की सी ग्रेवी रखेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, हल्की सी बिल्कुल ग्रेवी रखेंगे। बस इतना सा पानी डालना हमने, ठीक है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे जो है वो दम दे देते हैं, फिर देखते हैं हम। बस ये हमारा बनके तैयार हो गया। हम अब इसको जो है वो डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसमें से। जी तो हमारा कोरमा, मटन कोरमा बनके तैयार हो गया, देख लें। मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।